नमस्कार, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक के महीने में सुनाई जाने वाली सीता माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पलका पोटा राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम कहानी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम ऐसा करना कि कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना, और औरतें पानी भरने के लिए आएंगी तो तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। तो सीता माता बोली, अच्छा भगवान। तो सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं और एक बहू आई, उन्होंने रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा हाथ में ले रखा था। सीता मैया बोली कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, वो तुम सुन लो। तो बहू बोली, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, और घर जाऊंगी तो मेरी सास लड़ेगी, और कहानी नहीं सुनी। घर आई तो उस बहू की रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली कि बहू, किसका दोष सिर ले आई। तो बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी कि मेरी कहानी सुन लो, मैंने उनकी कहानी नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा लेकर गई, तो कुएं की पाल पर सीता माता बैठी पाई। और सीता माता सास से कहने लगी कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। तो सास बोली कि कहानी एक बार क्या, 4 बार सुनूंगी। तो सीता माता कहने लगी कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत कपल का पोटा राम, साल दुशाला ओरो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम ये कैसे कर लाई। तो सास कहने लगी, बहू तुम दोष लगा लाई थी और मैं दोष उतार आई। तो बहू पूछने लगी कि वो कौन थी। तो सास कहने लगी कि वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं और खाली घर में भंडारे भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर दें और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। बहू कहने लगी, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पलका पोटा राम, साल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। बहू कहने लगी कि सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सासू बोली, बहू रोजाना कह लिया करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह नहाती, पूजा पाठ करती और नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, कहने लगी कि बहन, जरा सी आँच दे दो। तो वो कहने लगी कि अभी तो हमने आँच नहीं जलाई है। तो पड़ोसन पूछने लगी कि तुम इतनी जल्दी सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो। तो सास बहू बोलने लगी कि हम सुबह नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सीता माता की कहानी करते हैं। कि पड़ोसन कहने लगी कि इससे क्या होता है। तो सास बोली कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तो सास बोली कि बहन तुम भी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम,
दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटा राम, साल दुसाला ओड़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, काले घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी रोज नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता की कहानी कहने से उसके भी घर में भंडारे भर गए, और जैसे ही मेरी सीता माता ने उन सबके भंडारे भरे, हम सबके भी भंडारे भरना माता, कहते सुनते हुंकारे भरते, लक्ष्मी माता का वास करना, अन्नपूर्णा का वास करना, बोलिए सीता माता की जय, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, तुलसी माता की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जय सीता माता, जय श्री राम।